के नेता प्रतिपक्ष को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर। और दिल्ली से खबर मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का नाम तय माना जा रहा है। पार्टी की तरफ से बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, औपचारिक घोषणा, और यह तय हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर प्रीतम सिंह होंगे। आज शाम नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होनी है। आपको बताएं, इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 4 घंटे की कल मैराथन बैठक हुई और दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं 10 विधायक, तमाम पदाधिकारी, और अब प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ विधायकों की एक बैठक हुई है। नेता उपदल करण बाहरा का ये विधानसभा में बयान सामने आया, जहां पार्टी आलाकमान को सब कुछ बता दिया गया है। सीएलपी नेता राजपूत होगा और प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा होगा। तो ये देखिए, 2022 की भी एक धुंधली तस्वीर भी निकल के सामने आ रही है। लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो मैडम सोनिया गांधी, जो हमारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऊपर सारा को छोड़ दिया है। जिसको सोनिया जी चाहेंगी वही पार्टी दल का नेता बनेगा। सर, कब तक उम्मीद की जाए कि नेता प्रतिपक्ष और जो तमाम सारे कयास लग रहे हैं वो कयास लगने बंद हो जाएंगे और मैडम की तरफ से आदेश आ जाएगा? मेरे को लगता है आज 2-3 बजे तक ये फाइनल हो जाएगा। आज शाम से आप लोगों की चिंता खत्म हो जाएगी, जो भी है वो सामने आ जाएगा 2-3 बजे तक। देहरादून में भी बड़ी कयास उठ रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष आ रहा, ब्राह्मण चेहरा होगा। देखिए, निश्चित ही, क्योंकि जाति समीकरण और सभी कुछ को देखती है हर पार्टी, और हमारा भी ये मानना था कि अगर सीएलपी कोई राजपूत आता है और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन आता है, इन सब चीज़ों पर भी मंथन था। तो हमारे पास बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे ऐसे हैं जो मैं कहूँगा कि विधायक के रूप में नहीं आ पाए, लेकिन उनमें अपार संभावनाएं हैं। और उन अपार संभावनाओं को लेते हुए, क्योंकि हमारे संग पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे चेहरे हैं, आर्यन शर्मा जी हैं, मनीष खंडूरी जी हैं, किशोर भाई हैं, और मनोज तिवारी जी हैं हमारे जो विधायक रहे साथ में, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन पे विचार किया जा सकता है। तो ये हमने भी सुझाव ये दिया है हाईकमान को कि किसी ब्राह्मण चेहरे को जो है अध्यक्ष के रूप में लाया जाए, और पार्टी की कमान चाहे प्रीतम सिंह जी को दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 4-4.5 साल में। उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम इस प्रदेश में किया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ एक मीटिंग हुई, और क्या रहा इस मीटिंग को लेकर प्रीतम सिंह से जब बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने, तो कुछ चीजें निकल के सामने आई, आप भी देखिए। कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है, नए सीएलपी नेता को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। सर, कल बैठक हुई आप लोग की मैराथन, लगभग 4-4.5 घंटे बैठक हुई, आप लोगों ने डिसीजन लिया कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ही अब इस पर निर्णय लेंगी, क्या विधायकों में एकजुटता नहीं हो पा रही जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय देना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस विधायकों में एकजुटता नहीं, हम एकजुट हैं, और वैसे भी हमारी संख्या जो है अब 10 की रह गई है, तो कोई मत भिन्नता नहीं, स्वाभाविक बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चिंतित रहता है, और सभी विधायकों ने ये तय किया, एक राय बनी कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम सबको स्वीकार्य होगा। सर, सीएलपी नेता के नाम पे आपकी चर्चा बड़ी जोर से है कि आप सीएलपी नेता बन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहा है। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना उस समय में राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, उस दिन भी मैं अपने गाँव या अपने विधानसभा के उस गाँव में था जहाँ पर टेलीफोनिक सुविधा भी नहीं थी, जहाँ नेटवर्क नहीं था, तो वहाँ तक बना। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी हम सब लोग उसके साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे। चुनाव से पहले अगर आपकी भूमिका में बदलाव होता है तो आप उसे स्वीकार करेंगे, किस तरीके से पार्टी में आगे योगदान रहेगा? मैंने कहा ना कि भूमिका में बदलाव होगा या नहीं होगा, या कोई भूमिका अगर नहीं मिलेगी तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम खड़े हों और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। सर, आपके पार्टी के कुछ विधायक, उन्होंने मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होना चाहिए और आप सीएलपी लीडर के रूप में जा रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना कि संख्या बड़ी सीमित है, 10 लोग जो है हम विधायक हैं, अब आप उसमें भी करेंगे कुछ विधायकों ने करी, अरे हम 10 की 10 साथ हैं,
राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेगा, वो सबको स्वीकार्य होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो भी निर्णय लेगा उनके साथ हैं, ये कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जाहिर तौर से बात है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है और सोनिया गांधी को अंतिम निर्णय लेना है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक निर्णय हो जाएगा। अर्चन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो चलिए हम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी दिल्ली से मौजूद हैं और जाहिर सी बात है अविनाश कि अब उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक बड़े बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं दिल्ली से। बस एक औपचारिक घोषणा होनी है और किस तरीके की जानकारी? बिल्कुल, इसने लगातार बात किया तो पिछले दो दिनों से दिल्ली के अंदर कांग्रेस के तमाम सारे विधायक और प्रभारी देवेंद्र यादव लगातार मंथन कर रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में कांग्रेस को आगे ले जाया जाए, कैसे उसका कैंपेन किया जाए और किस तरीके से 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी रखी जाए, जिसको लेकर तमाम यहां पे मंथन हुए। और ज़्यादातर विधायकों ने अगर बात करें तो इसमें एक मतता जताई है कि प्रीतम सिंह को ही अगला CLP नेता बनाया जाए, क्योंकि उनका अनुभव भी लंबा रहा है और चूंकि वो सदन के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे थे और लिहाजा उनको CLP नेता बना के एक नए ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाया जाए, जिसको लेकर तमाम सारे विधायकों ने अपना जो फैसला है ये साफ तौर पे कह दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करें। जो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का फैसला होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। विधायकों की बात सुनने के बाद प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को तमाम सारे विधायकों के राय से और उनके निर्णय से अवगत कराया है। जाहिर तौर से बात है कि वहां से जो भी डिसीजन होगा, यानी कि सोनिया गांधी का जो निवास है 10 जनपद, वहां से जो भी निर्णय होगा उसके बाद तमाम सारे विधायकों को यहां पे ब्रीफ किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की आगे किस तरीके से रणनीति रहने वाली है। क्योंकि अभी प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि सभी विधायक दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे, कोई भी दिल्ली से देहरादून के लिए नहीं जाएगा। तो लिहाजा अभी भी सारे विधायक उत्तराखंड भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे उत्तराखंड सदन के अंदर ही तमाम सारे विधायक इंतजार कर रहे हैं जब प्रभारी देवेंद्र यादव उनको बुलाते हैं, उनको बातचीत में बताएंगे कि क्या निर्णय रहा है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का। तो सभी विधायक इंतजार कर रहे हैं। आज 3 से 4 बजे के बीच टेंटेटिव मीटिंग का एक अनुमान बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच एक बैठक हो सकती है जिसमें प्रभारी उनको राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्णय के बारे में बता सकते हैं। तो ये तय है कि भले विधायकों की संख्या 10 है लेकिन एक मत वाली स्थिति तो है नहीं, वरना कल से आज तक इतनी लंबी मीटिंग्स का दौर नहीं चलता। लेकिन देखते हैं कि आज शाम तक क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, इसे लेकर देहरादून में प्रदेश कार्यालय पर माहौल कैसा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का नाम आगे आने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पद पर किसकी ताजपोशी होगी, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में हूं। अगर यहां पर बात करें तो जितने भी यहां पर बैनर पोस्टर जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नाम के लगाए गए थे, उनकी जो तस्वीरें थी उनको भी फिलहाल हटा दिया गया है और तमाम अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो उन बैनर पोस्टों को हटाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि हालांकि एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के लिए अब प्रीतम सिंह का नाम आगे आया है उसे देखते हुए अब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसे जिम्मेदारी दी जाएगी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में पार्टी और संगठन को एक साथ आगे लेकर चलना है और किस तरीके से 2022 के चुनाव को कांग्रेस फतेह करेगी इसको लेकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पास होगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए जो औपचारिक ऐलान होने हैं वो अभी बाकी हैं और ऐसे में किसके नाम पर मोहर लगती है ये निर्णय भी कांग्रेस हाईकमान को लेना है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो चलिए इस खबर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर अगर लगती है तो सबकी निगाहें टिकती हैं कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। ये चीजें जितनी ऊपर से आसान दिखती हैं गहराई में साधने की कोशिश है 2022 को, क्या एक चेहरा निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल सुनीता, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये 2022 का जो चुनावी समर है उसकी तैयारियां हो रही हैं और ये जितने भी बदलाव हो रहे हैं केवल और केवल चुनावी दृष्टिकोण के मद्देनज़र ये सब लिए जा रहे हैं। दिल्ली में जो उत्तराखंड को लेकर जो बैठक और जो एक्सरसाइज कांग्रेस की चल रही है उसमें जिस तरह से एक नाम सामने आ रहा है कि प्रीतम सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ या अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस लेकर के नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और किसी दूसरे एक बड़े दावेदार को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, ये एक बदलाव होगा। और ये बदलाव उस लिहाज से कितना कारगर होगा कि चुनाव में उनको फायदा मिल सके ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस समय जो सहमत का खेल कांग्रेस के भीतर चल रहा है, इस समय जो हरीश रावत इस चुनाव को अपने लिए डू और डाई की स्थिति में लेकर आ गए हैं,
इस समय जो हरीश रावत ने जो पूरे इस गेम के जो मास्टरमाइंड हैं, इसकी जो व्यूह रचना केवल हरीश रावत ने की है। हरीश रावत के बिछाई हुई बिसात पर ये सारे बदलाव हो रहे हैं। हरीश रावत के लिए ये चुनाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो अध्यक्ष पद में दो तीन नाम जो सामने आ रहे हैं वो हो सकते हैं, उनसे कितना कारगर होगा, कितना फायदा मिलेगा पार्टी को, कितना नहीं मिलेगा, एक अलग बात है। लेकिन ये बिसात हरीश रावत की बिछाई हुई है और हरीश रावत के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और हरीश रावत के समर्थक तो कह रहे हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। जी सुनीता, बिल्कुल। लेकिन अजीत, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर प्रीतम सिंह का आना और इसके साथ ही इस पूरे बिसात में एक भूमिका निभाना जो शायद छिपी हुई अभी तक नजर आ रही है हरीश रावत की। बिल्कुल, आप ये लीडर पोजीशन देखिए। हाँ देखिए, लीडर पोजीशन का असली काम सदन के भीतर होता है जब सदन की कार्रवाई चलती है। आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लीडर अपोजिशन का काम बाहर सरकार में एक दो कमेटियों में होता है, जहां चयन होता है किसी संवैधानिक पद पर वहां होता है, वरना सदन के भीतर ही लीडर अपोजिशन का सारा दायित्व निर्वहन होता है। और लीडर अपोजिशन एक ही सत्र चलना है चुनाव से पहले, केवल 2022 से चुनाव से पहले विधानसभा का एक सत्र होगा, वो भी एक या दो दिन का, तीन दिन का होगा, क्योंकि कोरोना है, उस हिसाब से विधानसभाएं पहले की तरह चल भी नहीं रही है। तो उस दो दिन के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं हो सकती। उस दो दिन के लिए तो जो डिप्टी लीडर अपोजिशन थे करण मारा, उनको भी दायित्व दिया जा सकता था। लेकिन केवल और केवल इसके पीछे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम छिपा हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पूरी बिसात है हरीश रावत की बिछाई हुई है। और हरीश रावत इस मामले में बहुत बड़े और बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इस बार का चुनाव बहुत ही देखने लायक और दिलचस्प होगा, उसी लिए ये सब चीजें हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दो तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। आपने जिक्र किया है कि 2022 की बिसात बिछाई जा रही है, तो ना सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि प्रदेश की दो तस्वीरों को आप देखिए जो दिल्ली से लेकर आपको रामनगर तक की दिखाई देगी, जहां भाजपा का मंथन शिविर आज खत्म हुआ है। सीधे तौर पे सरकार संगठन संतुलन क्या बनेगा, किस तरीके से हम रणनीति पर चलेंगे, और दिल्ली में ये भले दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि दो एक सत्र के लिए ये माथापच्ची नहीं है, बल्कि ये 2022 की तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष का नाम ही नहीं है, बल्कि 2022 में चेहरा के साथ लड़ना है या बिना चेहरे के साथ लड़ना है, लेकिन ताकत किसकी होगी यह तय हो जाएगा। तो रामनगर में भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हुआ है और अगली बार ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना है, यही लक्ष्य है। 70 विधानसभा सीटों पर पूर्णकालिक नियुक्ति होंगे, किन योजनाओं पर काम हुआ है, व्यक्ति से जुड़ाव रखने वाली योजनाओं पर चर्चा हुई है। जुलाई में जिलों की कार्य समिति आयोजित होगी, मंडल कार्य समिति भी आयोजित होगी, शक्ति केंद्र पर ये बैठकें आयोजित होंगी, मंत्री जिला स्तर पर बाहर निकलेंगे, घूमेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए रामनगर का रुख करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद है वहां पर और अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजित, ये जो पूरा चिंतन शिविर था, इसका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके की रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी? सुनीता देखिए, ये 3 दिन का चिंतन शिविर था और 3 दिन के चिंतन शिविर में वही निकला कि आखिरी के पड़ाव में जब चुनाव से ठीक पहले जो जो चीज़ें करनी होती हैं वही हुआ है, और बहुत कोई उल्लेखनीय है, बहुत आकर्षक कोई एक रोड मैप हमारे सामने नहीं आ पाया है। उसमें केवल और केवल इस बात पर फोकस किया गया कि अगला चुनाव किस तरह से जीतना है, मंत्रियों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को पब्लिक के बीच में कैसे जाना है, जो पन्ना प्रमुख होते हैं, बूथ स्तर की समितियां हैं, जिला स्तरीय हैं, जिला स्तरीय सम्मेलन होने, जिस तरह से यहाँ पर चिंतन शिविर हुआ है ऐसे जिलों में चिंतन शिविर शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवंबर में एक रैली को संबोधित कर सकते हैं, तो ये सारा प्लान एक उनका जो आउटले है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने एक पूरी कार्य योजना तैयार की है, इसी को एक रोड मैप, जिसका हमें 3 दिन से इंतजार था कि कौन सा रोड मैप आने वाला है। मंत्री लोगों के बीच जाएंगे और सभी, एक खास बात लेकिन इसमें मुझे एक ये जरूर लगती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्णकालिक की नियुक्ति होगी, यानी ये पूर्णकालिक होगा जो पूरी विधानसभा के विकास कार्यों से, जन समस्याओं से, जितने भी एक जिला प्रशासन, संगठन, सरकार, इनके बीच में एक समन्वय बना करके उस विधानसभा पर फोकस करेगा और आगे बढ़ेगा, ताकि उस विधानसभा पर डीपली काम हो सके। इसके अलावा फिर दूसरे जो समुदाय हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी पैठ कम है, वहां भी विस्तारक बनाए जा रहे हैं, विस्तारक बनाकर पार्टी को विस्तार देने का काम जिस तरह से चल रहा है। और ये मंत्री, विधायक, सांसद, एक जनसंपर्क अभियान आपने देखा होगा कि एक महीने में जनसंपर्क अभियान भी शुरू होना है, और उसमें ये होगा
कि सभी लोग एक साथ निकलेंगे और वो लोगों से मिलेंगे। अब कुल मिलाकर ये पूरी मुहिम और पूरी जद्दोजहद एक जगह आकर रुक जाती है, जैसा हम पहले से कह रहे हैं कि 2022 का किला कैसे फतेह होगा, वो जो दुर्ग है उसको सुरक्षित कैसे करना है। दावा किया गया है कि प्रचंड बहुमत जितना पिछली बार आया था उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और हैरत की बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का कोई बड़ा नेता इस बात से कतई सहमत नहीं होते कि यहाँ पार्टी में कुछ गड़बड़ है, सत्ता परिवर्तन होगा। वो सत्ता परिवर्तन को भी एक दायित्व निर्वहन की संज्ञा देकर मतलब मीडिया को शांत करने का, कार्यकर्ता को शांत करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है ये केवल सत्ता परिवर्तन दायित्व निर्वहन है, मुख्यमंत्री बदलना केवल दायित्व निर्वहन है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, कोई बहुत अपवाद के स्वरूप चीजें हुई भी नहीं है, तो इसे आसानी से लेकर ही आगे बढ़ने के संदेश के साथ ही वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव जीतने की वही परंपराएं, जहां जनसंपर्क और रैलियों का ही अभी तक रोड मैप पता चला है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं देवस्थानम बोर्ड पर सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार को प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बयान देकर लोगों को यह सूचित किया है देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार के मूड में है सरकार। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने को लेकर धरने पर तीर्थ पुरोहित हैं। आपको ये बताएं कि 19वां दिन है जहां आज भी तीर्थ पुरोहित धरने पर हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी आपने देखा जो 100 दिन पूरे होने पर किताब निकली है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी को निष्कर्ष लिखा है कि चार धाम जो देवस्थानम बोर्ड है उस पर सरकार पुनर्विचार करने के साथ साथ जो 51 मंदिर रखेगा उस पर भी विचार करेगी। उत्तराखंड में 6 जुलाई तक कई रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब बाजार खोलने के दिन और समय को भी बढ़ाया गया है। अब बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे ये बाजार। साथ ही पर्यटन स्थल हैं, उन्हें भी खोलने की परमिशन मिल चुकी है। उत्तराखंड में कई रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू है और ये 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। बाजारों को खोलने का वक्त और दिन भी बढ़ा दिए गए हैं और इस वक्त मैं देहरादून के घंटाघर पर मौजूद हूं। आप पहले ट्रैफिक देख लीजिए, किस हद तक लोग मार्केट खुलने के बाद सड़कों पर दौड़ रही हैं तमाम गाड़ियां। और ये गंभीर बात है कि जब हम कोरोना को हराने के लिए कई तरह की बंदिशें लगा रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मार्केट खुलने के बाद कर्फ्यू में ढील देने के बाद जो तमाम गाड़ियां हैं, वाहन हैं, तमाम लोग हैं, वो मार्केट की ओर अपने तमाम जो काम है उनकी ओर तमाम लोग जा रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह अंदाज़ा लगा सकता है कि मार्केट खुलने के बाद अब जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है। दूसरी तस्वीर ये देहरादून के पल्टन बाजार की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे के करीब ही जो संख्या है लोगों की वो लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं और जिस तरह से भीड़ आपको नजर आ रही है, इससे देखकर इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बंदिशें लगाई गई थी उसके बाद भी लोगों को यहाँ पर खुद सचेत नहीं है। उनके दिमाग में ये खुद नहीं आ रहा है कि कैसे हम कोरोना को हरा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप मार्केट में नज़र आ रही हैं। दुकानें पूरी तरह से खुली हैं, दुकानों को अब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है। उसके बावजूद भी सुबह के वक्त लगभग 11 बजे के वक्त आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी ज़्यादा आज भीड़ हो गई है। पूरी दुकानें खुलने के बाद तमाम जो लोग हैं वो मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे गंभीर बात यह है कि कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं और जो लोग हैं वो खुद सतर्क नहीं हैं, उनके अंदर जो वह कोरोना को लेकर था वो खत्म हो गया। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाकर मार्केट में लोग भीड़ के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। औली से खबर है जहां 2 महीने के बाद रोपवे और चेयर लिफ्ट शुरू की गई है। 39 पर्यटकों ने चेयर लिफ्ट से औली की हसीन वादियों का दीदार किया है, वो भी पूरे 2 महीने के बाद जब ये सेवा बहाल हुई है। अब चार धाम यात्रा के साथ पर्यटन व्यवसाय को भी उम्मीद है कि अब चीजें पटरी पर आएंगे। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते ये तमाम व्यवसायी परेशान हैं। कोरोना संक्रमण का असर टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट पर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 1200 करोड़ रुपए से टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, पर्यटन की दृष्टि से इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाना था, जिसमें सबसे पहले टिहरी झील में स्थायी बोटिंग प्वाइंट के पास पहाड़ी थीम में दुकानों का निर्माण करना है, जिसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा कर्णदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को 25 लाख रुपए दे दिए गए हैं। लेकिन कोरोना के चलते ये काम शुरू ही नहीं हो पाया। देखिए, मेगा प्रोजेक्ट में जितना भी सर्वे हुआ था, जिसमें सचिव महोदय भी निरीक्षण में आए थे, जिलाधिकारी महोदय ने कई बार
रिव्यू बैठक कर ली है और दो तीन एस्टीमेट हमारे 6 करोड़ तक के गए भी हैं होम स्टे के और स्थलों के। लेकिन जो प्रथम चरण में उस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें 30 डिस्ट्रिक्ट में जो 50 लाख की धनराशि जिले को उपलब्ध कराई गई थी वो जिलाधिकारी स्तर से पर्यटन मुख्यालय से अनुमति लेने के बाद PWD निर्माण इकाई को धनराशि जारी कर दी गई है, उन्होंने निविदा फाइनल कर दिया है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से लगे आरे गांव के पास हाईवे सड़क के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे जिसकी वजह से गाड़ियां सड़क पर ही फंस गई। अब हालात ये है कि कपकोट और गरुड़ तहसील की 2 सड़कें अभी तक बंद है। हालांकि 1 सड़क को हल्के वाहन के लिए जरूर खोला गया है पर लगातार 2 दिन बारिश के बाद से ये बोल्डर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये रास्ता जाम है।